मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में झुंझुनू जिला देश की रक्षा में सर्वोपरि स्थान पर है। यहां के जवान सीमा पर शहादत देने में सबसे आगे रहते हैं। गहलोत खेतड़ी कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झुंझुनू का अपना अनूठा इतिहास रहा है। यहाँ के घर घर में शहीदों की कहानी है। हमारी सरकार ने शहीदों को मिलने वाले पैकेज में काफी बढ़ोतरी की है। भाजपा पर हमला करते हुए गहलोत ने कहा कि नोटबंदी ने देश को तबाह करके रख दिया है। नोटबंदी के दौरान लाइन में लगे 350 लोग मारे गए थे। रिजर्व बैंक ने 2 साल तक नोटबंदी में कितने नोट वापस आए इसका हिसाब नहीं दे पा रहा है। देश में सिर्फ मोदी और अमित शाह 2 लोग ही राज कर रहे हैं। मोदी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव में उनको झटका देने की जरूरत है। आगामी चुनावों में उनको झटका देने की जरूरत है। यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। नोटबंदी के समय लोगों को लाइन में लगना पड़ा था। एक्टिंग जो करता है एक्टर फिल्मों में, एक्टर या एक्ट्रेस, उसमें सच्ची कुछ नहीं होती है, खाली एक्टिंग होती है। आप बता दीजिए, आप लोग कई फिल्में देखते होंगे, मैं तो देखता नहीं हूँ। कुछ 20 साल हो गए, 30 साल हो गए फिल्म देखे हुए। आप मुझे फिल्म देखते होंगे, फिल्मों की एक्टिंग होती है, वो एक्टिंग होती है, खाली सच्चाई ही होती है। तो मोदी जी भी क्या करते हैं, जिस प्रकार बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज के लटके झटके से करते हैं, वो तो यार बहुत चांदा बोल रहे हैं मोदी तो यार। बोलता बहुत अच्छा है, बोलना अच्छा है तो बोलते हैं, कोई देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खाली बोलने से कोई रोजगार मिलेगा लोगों को, काला धन आएगा, क्या होगा। बोलना बहुत अच्छे है, अरे बोलने चक्कर मत आना।